ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने मुरैना के कैलावास नगर परिषद में हुए फर्जी बिल भुगतान मामले में केस दर्ज कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने कैलावास नगर परिषद के 8 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें नगर परिषद के वर्तमान और 4 पूर्व सीएमओ भी शामिल हैं, जिसमें 180 फर्जी बिलों का भुगतान करने के लिए 1,41,00,000 से भी अधिक रुपए फर्जी भुगतान किया गया है, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए ईओडब्ल्यू ने नगर परिषद के 8 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल दैनिक वेतन भोगी शिव कुमार शर्मा ने अपने रिकॉर्ड में काट छाट कर अपने आप को नियमित कर्मचारी बताकर मुरैना से कैलावास स्थानांतरण करा लिया। शिव कुमार शर्मा ने नगर परिषद कैलावास में स्टोर प्रभारी रहते हुए बिना सामग्री खरीदे फर्जी बिल वाउचरों के माध्यम से करोड़ों रुपए का भुगतान प्राप्त किया। इसमें 180 वाउचर का भुगतान संदिग्ध पाए गए। जांच में पाया गया कि 180 भुगतान वाउचर की राशि 1,41,00,000 से रुपए का तत्कालीन सीएमओ, स्टोर कीपर और अकाउंटेंट की मिली भगत से फर्जी भुगतान कर नगर परिषद कैलावास को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इस जांच के अनुसार फर्जी भुगतान के मामलों में स्टोर कीपर शिव कुमार और पूर्व सीएमओ अकाउंटेंट देव प्रकाष शर्मा, लक्ष्मण सिंह दामदेव द्वारा षड्यंत्र कर नगर पालिका परिषद कैलावास को नुकसान पहुंचाया गया, जिन पर धारा केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। वर्ष 2023 में हमें एक नगर परिषद जो कैलारस है जिला मुरैना, उसकी एक शिकायत मिली थी, जिसमें नगर परिषद के खिलाफ फर्जी बिल वाउचरों का भुगतान कर भ्रष्टाचार किया गया था, उसकी जानकारी मिली। तो वर्ष 23 में जब हमें शिकायत मिली, और ये मामला लगभग 2020 और 20 से 22 के बीच का था, तो जब हमने उसमें जाँच की तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि निश्चित रूप से फर्जी बिल वाउचरों का भुगतान कर फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है, और उसमें लगभग 5 सीएमओ और 2 वो हैं अकाउंटेंट, 1 स्टोर कीपर, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है।